हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आईसीएसई मैथ पर। आज हम शुरू करने वाले अभी क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर सेकंड जो कि हमारा बैंकिंग है। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे भाई चैप्टर टू स्टार्ट कर दो सर, चैप्टर टू। तो आज चैप्टर टू स्टार्ट करते हैं भाई हमारा, ठीक है। इससे प्रीवियस भी हमने क्लास टेंथ के कुछ चैप्टर कर रखे हैं भाई, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इजिली उस चैप्टर को कर सकते हो। फिर भी किसी को कोई लिंक नहीं मिल पा रहा है, कोई वीडियो नहीं मिल पा रही है, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है भाई। अच्छा, साथ साथ चैनल भी सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, चैनल को सपोर्ट किया करो भाई। तो शुरू करते हैं भी हमारा सेकंड चैप्टर। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं पहले चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी आपकी, क्या क्या आपको करना है, ठीक है। तो सबसे पहला भी हमारा रिकरिंग डिपॉजिट, जिसको हम आरडी भी बुलाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपको आई यानी कि इंटरेस्ट, एमवी यानी कि मैच्योरिटी वैल्यू, कब आपका जो आपने बोल सकते हैं जैसे एलआईसी होता है जिसमें हम आप मंथली पे करते हो, ठीक है, ईएमआई बोल दो या कुछ भी, बाद में आपको जब वो मैच्योर हो जाती है, पूरी कंप्लीट हो जाती है, तो आपको पूरे पूरे पैसे मिलते हैं विद इंटरेस्ट, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। साथ ही साथ इस चैप्टर के अंदर बैंकिंग बोला ना, तो शुरू में आपको बैंकिंग का पता होना चाहिए थोड़ा सा, वैसे तो सभी को पता होगा, दैट्स वाई मैंने बताया नहीं। बैंकिंग क्या होती है भाई, जहां पर आप पैसे डिपॉजिट करते हो, बोरो करते हो, लोन लेते हो, ये सारे के सारे फंक्शन होते हैं, वो बैंकिंग कहलाएगा आपका, ठीक है, सिंपल है। बस मेन चीज आपकी ये दो है भाई, जिसको ये दो अच्छे से पता चल जाती है वो इजिली हर एक क्वेश्चन कर पाएगा, क्योंकि यही फॉर्मूला लगेगा भाई शुरू से लेके लास्ट तक, ठीक है। थोड़े बहुत चेंजेज आएंगे स्टेटमेंट के हिसाब से, ऑलमोस्ट ये लगेगा। देखो पी हमारा होता है प्रिंसिपल, क्या होता है पी हमारा होता है भाई यहां पर प्रिंसिपल। अच्छा, आपने पहले भी यूज कर रखा भाई प्रिंसिपल, आप जब कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट निकालते थे क्लास 9th 8th में, समझ रखा आपने, तो वही प्रिंसिपल है, अमाउंट जो भी आप पे कर रहे हो, ले रहे हो या फिर बोरो कर रहे हो किसी से। एन यहां पर हमारे नंबर ऑफ मंथ होंगे, क्या होंगे भाई, एन हमारे नंबर ऑफ मंथ, आर आपका रेट होगा भाई, क्या होगा, आर यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आप वो पे कर रहे हो, ठीक है भाई। उसके बाद पी एन वही चीज सेम रहेगी, आई आपका टोटल इंटरेस्ट है भाई, क्या ये इंटरेस्ट जो आप निकालोगे, और जब आपको मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी होगी तो वहां पर आप क्या करोगे, पी इंटू एन प्लस आई कर दोगे यहाँ पे, ठीक है। तो भाई यही सारी की सारी वैल्यूज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, इनका मीनिंग पता होना चाहिए कि आप किस वैल्यू को पुट कर रहे हो, क्या निकाल रहे हो। जब आप इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका आई यानी कि इंटरेस्ट निकल जाएगा, और मैच्योरिटी वैल्यू निकालने के लिए पी यानी कि प्रिंसिपल, एन यानी नंबर ऑफ मंथ, मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना आपका जो भी इंटरेस्ट आया है, तो आप निकाल लोगे वहां पर भाई आपकी मैच्योरिटी वैल्यू, ठीक है। तो यहां पर आपका जो क्वेश्चन है भाई, ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपको, आई होप ये सारे के सारा जो बेसिक हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन में, और ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो भाई, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, नीचे वाला तो इजी है, ऊपर वाला अच्छे से याद कर लो ताकि इसका यूज कर पाएंगे हम अच्छे से एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं भाई हमारी। फर्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया आपको, मिसिज गोस्वामी है जो डिपोजिट कर रही है ₹1000। देखो भाई जो डिपोजिट कर रही है 1000, ये क्या आपका प्रिंसिपल है, मैं वैल्यू लिख रहा हूँ साथ साथ में, प्रिंसिपल आपका कितना भाई रुपीज 1000, कितना भाई 1000 पर मंथ इन आर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, आरडी बोल सकते हो, 3 इयर्स, टाइम कितना भी आपके पास 3 इयर दे रखे हैं, लेकिन हम इसको मंथ में निकालना पड़ता है, 3 × 12 करेंगे तो भाई 36 मंथ आ गया, कितना आ गया भाई 36 मंथ। उसके बाद एट 8% पर एनम, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना भाई, आर की वैल्यू है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो कितनी है भाई आपकी 8% है, ठीक है भाई। चलो सारी वैल्यू आ गई, आपको एमवी यानी कि मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता पहले आपको आई निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट, और उसका फॉर्मूला आपको याद है भी क्या था, पी इंटू एन इंटू एन प्लस वन बाय में 24 लिख रहा हूं डायरेक्ट, क्योंकि 2 × 12 आता आपको पता है, मैं सीधा 24 लिख रहा हूं भाई यहां पर, इंटू में कितना था भाई आर बाय में 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं इसको, स्मॉल आर लिख लो चाहे आपकी मर्जी है। तो चलो भाई वैल्यू पुट करते हैं यहां पर, देखते हैं कितना आएगा आंसर, पी की वैल्यू है 1000 भाई लिखो मल्टीप्लाई में, एन कितना भाई आपका 36 प्लस 1 डिवाइड में कितना भाई 24, ठीक है, मल्टीप्लाई में कितना आर, रेट कितना भाई आपका 8 अपॉन में कितना भाई 100। चलो भाई डिवाइड करते हैं, देखते हैं इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36, 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36, ठीक है भाई, 2 से कट जाएगा, 2 × 4 = 8, ये काट दिया मैंने, ठीक है भाई। अच्छा क्या क्या बचा, मैं वो लिख लेता हूँ इक्वल में, एक तो बचा यहाँ पे 10 लिखो भाई मल्टीप्लाई में, यहाँ पे बचा 3 लिखो मल्टीप्लाई में, 36 और 1 = 37 मल्टीप्लाई में, यहाँ पे बचा 4, ठीक है भाई। अच्छा इसको मैं लिखूँ तो कितना आ जाएगा भाई,
फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व टेन जा 120 इंटू में 37, इसको भी मल्टीप्लाई कर लो भी, देखो कितना आएगा। 12 से 84 का 4, 8 कैरी गए बार दिए 36 और 8 44, ये आ गया भी आपका, इतने रुपीज आपका इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, इंटरेस्ट आ गया, बट हमें निकालना क्या है, हमें एमवी निकालना है। अच्छा याद करो, मैंने एमवी का फॉर्मूला लिखाया था आपको, मेच्योरिटी वैल्यू का क्या था भाई, पी इंटू में एन प्लस में आई, प्रिंसिपल कितना भी 1000 है, एन कितना भी 36 है, प्लस में आई कितना है भी आपका, एरा 4440। चलो सोल्व करते हैं। अच्छा यहाँ पे 1000 है, सॉरी 100 लिख दिया मैंने, 1000 था ना प्रिंसिपल, तो 1000 इंटू 36 करेंगे, 36000 प्लस में 4440। चलो ऐड करते हैं अभी, पीछे तीन तो ऐसे ही आएंगे, 440 तो ऐसे ही आएगा, 440 36 और 4 40, ये भी 40 हो जाएगा, तो मेच्योरिटी वैल्यू आएगी आपकी रुपीज 40,440। देखा कितना सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे ही करने हैं भाई आपने सारे के सारे क्वेश्चन। अगले पे चलते हैं, इंदरजीत है, ओपन करते हैं क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट अकाउंट, आरडी बोल दो आप, पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक में डिपॉजिट करते हैं रुपीज 360 पर मंथ। अच्छा 360 यहां पे प्रिंसिपल आपका क्या भाई, प्रिंसिपल आपका यहां पे 360। उसके बाद टाइम कितना दिया है, 2 साल का टाइम है हमारे पास, 2 ईयर का, और आपको पता मंथ में कन्वर्ट करेंगे 2 गुना में 12, तो 24 मंथ आ गए भाई, कितने आ गए 24 मंथ। उसके बाद इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7%, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है 7%, हाउ मच डिड ही गेट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, मेच्योरिटी यानी कि एमवी निकालना, मेच्योरिटी वैल्यू निकालनी है, इसमें भी सेम टू सेम फॉर्मूला भी वही रहेगा, पहले आपको आई का फॉर्मूला लगाना है। अब की बार मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फॉर्मूला आपको पता चल गया ना, ये फॉर्मूला लिखना है हर एक के अंदर, तो आप फॉर्मूला लिख लेना, मैं सीधा सोल्व कर रहा हूँ। पी प्रिंसिपल आपका 360 इंटू में एन, एन कितना भी आपका 24, और यहां पे आता है 24 प्लस 1 डिवाइड में कितना भाई 24 इंटू में कितना भाई आर, रेट कितना है 7 बाय में कितना भाई 100, ये रहता है। ठीक है चलो अब काट लेते हैं, अभी देखते हैं क्या बचे, कट के 24 से 24 कट गया, ठीक है भाई, 0 से 0 कट गई, ठीक है भाई, देखते हैं क्या बचा, आई बचा आपके इक्वल 36 मल्टीप्लाई में 24 और 1 25 मल्टीप्लाई में 7 बाय में 10, अभी भी कट जाएगा 5 5 जा 25 5 2 जा 10 2 से काटेंगे 18 दूनी 36 होता है, ठीक है भाई। अब क्या बचा आपके पास, 18 5 90 गुना में 7 9 से 63 630, कितना भाई यह आया आपका इंटरेस्ट, 630 रुपीज आ गया इंटरेस्ट आ गया। तो अब आप निकाल सकते हो क्या भाई मेच्योरिटी वैल्यू, और मेच्योरिटी वैल्यू का आपको फॉर्मूला पता भाई एमवी का, प्रिंसिपल इंटू में एन यानी कि नंबर ऑफ मंथ प्लस में इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपका आ चुका है 630, आपको पीएन को मल्टीप्लाई करना है, प्रिंसिपल कितना था भाई 360 लिख लो, 360 मल्टीप्लाई में मंथ कितने थे भाई 24 थे, 24 लिखो, प्लस में इंटरेस्ट कितना भाई 630। चलो भाई सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे देखो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 360 को 24 से, यानी कि 36 को 24 से मल्टीप्लाई कर लो बस, 4 6 24 2 कैरी गया, 4 3 12 2 14, 2 से करोगे 72, 4 6 8 864 कितना भाई 864 पीछे 0 प्लस में 630, या अभी मल्टीप्लाई करके अब इनको ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 में 0 ऐड करोगे 0, 4 में 3 ऐड करोगे 7, 6 में 6 करोगे 12, 1 गया तो 9, 9270 रुपीज आपका रहेगा भाई यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू, यानी कि जब वो चीज मैच्योर हो जाएगी तो उसको आपको इतने पैसे मिलेंगे। ठीक है भाई, तो दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, फॉर्मूला देख लिया आपने कैसे अप्लाई करना है, कैसे मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं ऑलमोस्ट। ठीक है भाई, नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं भाई, हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में देखो, नीमा हैड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिट करती हो 600 पर मंथ, यानी कि आपका जो प्रिंसिपल है वो तो कितना हो गया भाई यहां पर रुपीज 600। ठीक है भाई, आपने यहां पे 600 रुपीज प्रिंसिपल ले लिया। टाइम देखो भाई, टाइम आपको दिया है 2.5 ईयर। अच्छा इसको कन्वर्ट कर लो, 2 2 4 और 1 5 5 बाय 2, मल्टीप्लाई में कर देंगे इसको 12 से, क्योंकि मंथ में कन्वर्ट करना हमने। ठीक है, 2 6 12 6 5 30, तो टोटल 30 मंथ आए भाई, कितना है 30 मंथ। ठीक है भाई, अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया पर एनम 10%, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आर की वैल्यू 10% दी है, निकालना वही है एमवी मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आई वाला लगा लीजिए फॉर्मूला, इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला आपको पता है, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, प्रिंसिपल कितना 600 मल्टीप्लाई में रेट मंथ, टाइम कितना भी यहां पे मंथ कितने अपने 30, और फिर लिखते हैं 30 प्लस 1 जितना मंथ है एक ज्यादा, डिवाइड में 24
मल्टीप्लाई में यहीं पे कर देते हैं साइड में, रेट रेट कितना भाई 10, बाय में कितना भाई 100। ठीक है, अब सोल्व कर लेते हैं इसको, काट कूट के देखते हैं क्या बचेगा। दो जीरो से दो जीरो कट गए भाई, 6 4 24। ठीक है भाई, 2 से काटेंगे, 2 से कट गया 15 आ गया, इस 2 से काटेंगे 5 आ गया। चलो भाई लिखते हैं इंटरेस्ट अपना पास क्या क्या बचा अभी तक। 15 तो ये बच गया, ठीक है, मल्टीप्लाई में 30 + 1 = 31, मल्टीप्लाई में कितना भाई 5। ठीक है भाई, बाकी देखते हैं, 15 को 1 से करते हैं, 15 × 15 = 5, 1 कैरी गया, 15 × 3 = 45, फिर वापस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 5 × 5 = 25 का 5, 2 कैरी गया भाई, 5 6 = 30 और 2 = 32, 3 कैरी गया भाई, 5 4 = 20 और 3 = 23, तो आ गया 2 3 2 5, कितना आ गया भाई 2 3 2 5 आ गया। अब हमारा ये इंटरेस्ट आ गया, क्या आ गया इंटरेस्ट, हमें निकालना मैच्योरिटी वैल्यू MV, किसके इक्वल होता है P, प्रिंसिपल इनटू N, यानी कि 600 इनटू में N कितना भी 30 है, मल्टीप्लाई हो गया प्लस में इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना भी अपना 2 3 2 5, ठीक है ना भाई, तो आ जाएगा अपने पास में यहां पर। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3 = 18, पीछे 3 0 प्लस में 18,000 प्लस में 2,325, 18,000 और 2,000 कितना हो गया 20,000, और पीछे कितना भाई 325, कितना भाई 325, तो ये आ जाएगा भाई आपका फाइनल आंसर यहाँ पर। तो हमारा जो लास्ट आंसर आया कितना है 20,325 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, ये आपके सामने रुपीस लगा देना इसके सामने, ठीक है भाई, इतना आपका मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगी आपको बाद में। थर्ड क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में देखिए, सजल इन्वेस्ट करती है रुपीज 6,000 पर मंथ, ठीक है भाई, अच्छा रेट ऑफ प्रिंसिपल कितना आ गया भाई आपका यहाँ पर रुपीज 600 आ गया पर मंथ, फॉर टाइम कितना 2.5 ईयर, टाइम वही है भाई सेम टू सेम 2.5 ईयर, तो इसमें भी कितने हो जाएंगे भाई आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 मंथ हो जाएंगे भाई सेम टू सेम, 5/2 × 12 करोगे कट के 30 मंथ आ जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद इन RD रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम के अंदर OBC ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में, इफ द बैंक पे कर रहा है सिंपल इंटरेस्ट एट, सिंपल इंटरेस्ट देख लो भाई रेट कितना दे रहा आपको, की बार 6 and 2/3, इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई तो कितना आ जाएगा 6 3 18 और 2 20, 20/3%, ठीक है भाई आ गया। अच्छा पहले निकालना तो इसमें भी MV है, मेच्योरिटी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, कि लास्ट में डेट में कितने इसको मेच्योर वैल्यू मिलेगी, वही करना है सेम टू सेम। तो लिखते हैं भाई, चलो इसको यहाँ पर I की वैल्यू लगाते हैं पहले, इंटरेस्ट क्या आपका P, यानी कि प्रिंसिपल कितना 600 मल्टीप्लाई में टाइम वही 30 × 30 + 1, ठीक है भाई, डिवाइड में कितना 24 करते हैं आपको पता है, मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 20/3 और गुना में 100, ठीक है भाई ये आ जाएगा आपका। चलो अब काटते हैं इसको, देखते हैं कितना पे कटेगा, 2 0 से 2 0 कट गया, 6 से काटेंगे 6 4 = 24, 2 से काटेंगे 2 2 = कितना हो गया भाई यहाँ पे 4, इस 3 से काट देंगे 30 तो ऊपर बच गया 10, ठीक है भाई, और यहाँ पे 10 बचा भी क्योंकि एक 0 बच गई थी ना कट के पूरा, ऊपर 10 बचा, 2 से काट देंगे 2 5 = 10, तो अब क्या क्या बचा वो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, आई की वैल्यू 5 बच गए, एक तो 30 + 1 कितना होता है 31 होता है मल्टीप्लाई में, लास्ट में 10 भी बचा भाई, तो कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करोगे, 5 × 5 = 5 15 155 और पीछे 0, तो ये आ गया भाई आपका इंटरेस्ट 1550 आपका इंटरेस्ट आ गया। अब इसको मेच्योरिटी वैल्यू निकालने के लिए आपको निकालना है भाई यहाँ पर किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, प्रिंसिपल इंटू एन, प्रिंसिपल कितना 600 मल्टीप्लाई में एन कितना 30 प्लस में कितना करोगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है 1500, 6 3 = 18, 18,000 में आपको बेसिकली ऐड करना 1550 और इसमें जोड़ दोगे तो 18,000 और 1,000 कितना हो गया 19,550, ये लो भाई ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इसका थर्ड के सेकंड पार्ट का। देखो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है, कैलकुलेशन अच्छे से करनी है तो आपके क्वेश्चन सारे ठीक निकलेंगे, ठीक है भाई, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, अभी समझ आ रहे तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करते हैं यहाँ पे, देखिए 4 क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, मिस्टर रिचर्ड हैं जो कि उनके पास अकाउंट है कौन सा भाई, RDA, RDA यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है उनके पास कौन से बैंक में भाई, इन अ बैंक फॉर 3 ईयर्स, टाइम कितना भाई 3 साल का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 7% दे रखा है, पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, इफ ही गेट रुपीज 8,325 एज इंटरेस्ट, ये उसको इंटरेस्ट मिला, अच्छा वैल्यू लिख लेता हूँ मैं क्या क्या गिवन है मुझे,
पहले लिखता हूं मैं यहां पर, प्रिंसिपल तो हमें नहीं गिवन है, वो तो निकालना पड़ेगा भाई, ठीक है, प्रिंसिपल गिवन नहीं है। उसके बाद आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा भाई 7%, टाइम आपको दे रखा भाई, यहां लिख लेता हूं टाइम दे रखा आपको 3 ईयर, और इसको कन्वर्ट करता हूं 3 को मंथ में, तो 3 × 12 यानी कि 36 मंथ आपको टाइम दे रखा है। और क्या भाई, इंटरेस्ट दे रखा आपको, आई की वैल्यू दे रखी है कितनी, 8,325 रुपीज, ठीक है भाई। इन द टाइम ऑफ मेच्योरिटी वैल्यू फाइंड मंथली डिपॉजिट, प्रिंसिपल निकालना, मंथली डिपॉजिट का मतलब होता है प्रिंसिपल निकालो, तो इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले में रख देंगे। क्या फॉर्मूला था इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल इनटू में कितना भाई, मल्टीप्लाई का साइन लगा देता हूं, सॉरी यहां पे प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में एन इंटू एन प्लस वन बाय में कितना भाई 24 इंटू में आर बाय में 100 इज इक्वल टू किसके इक्वल होता भाई, आई के इक्वल है ना, मंथ आई यानी कि इंटरेस्ट के इक्वल होता है। अब सारी वैल्यू रखते हैं, देखो प्रिंसिपल की वैल्यू हमें पता है नहीं पता, तो प्रिंसिपल एज इट इज, एन हमें पता है एन कितना भाई 36 मंथ है, तो 36 इंटू में 36 प्लस में 1 डिवाइड में कितना भाई 24 मल्टीप्लाई में रेट कितना भाई 7% है, तो 7 बाय में 100 इज इक्वल टू आई यानी कि इंटरेस्ट कितना भाई आपका दे रखा आपको 8,325, ठीक है भाई। अब देखो सारी वैल्यू सेट भेज देता हूं मैं प्रिंसिपल निकालने के लिए। अब देखो सेट क्या बनेगा, 8,325 नीचे 24 डिवाइड में उसे जाके मल्टीप्लाई, 100 नीचे डिवाइड में उसे जाके मल्टीप्लाई। अब डिवाइड में क्या क्या आएगा, जो ऊपर था, ऊपर क्या था 7 था मल्टीप्लाई में, नीचे आके डिवाइड में 36 था, वो भी नीचे आके 36 डिवाइड में, 36 प्लस 7 36 प्लस 1 कितना होता 37, वो ऊपर है वही साइड आके नीचे 37 हो जाएगा, ठीक है भाई। मैंने ये कर दिया, इस साइड से सारी चीजें उस साइड भेज दी, सोल्व कर लेते हैं बस। अब देख लो क्या आएगा, पहले काटता हूं मैं यहां पर भाई किसको, 12 पे काट लेता हूं, 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36, 2 आ गया भाई यहां पर कट के। उसके बाद देखो यहां पर 3 से काटने की कोशिश करते हैं, क्या पता कट जाए, 8 × 3 = 11, 3 से अगर काटना तो 3 का भाई रूल पता होना चाहिए आपको, सम करके हमारा एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो 3 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो काउंट करके देखते हैं, 8 × 3 = 11, 11 और 2 कितना हो गया भाई 13, 13 और 5 18, तो यानी कि 3 से डिविजिबल है ये, 3 से काट देंगे भाई इसको यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा देखो, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 बच गए 23 हो गया, फिर 3 पे काटते हैं, 3 × 7 = 21, बच गया 1 भाई, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1 बच गया ना यहाँ पर। उसके बाद देखो 2 बच गया यहाँ पे, 3 × 7 = 20, 1 वापस, ठीक है भाई। उसके बाद बच गया 1, 3 × 5 = 15, ठीक है भाई। तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 2775 आ जाएगा आपका, पूरे का पूरा डिविजिबल होकर ये, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए भी, अब ऊपर बच गया, अब इसको देखते हैं 7 पे कटेगा कि नहीं कटेगा, 7 पे मेरे ख्याल से नहीं कटेगा भाई, ये यहाँ पे 7 नहीं आएगा भाई, आपको क्वेश्चन में देखने एक बार ध्यान से, 7 नहीं होगा मेरे ख्याल से, यहाँ पे 7.5 था, गलती थी हमने यहाँ पे 7 लिख दिया, 7.5% है भाई, कितना जहां जहां पे 7 है ना वहां 7.5 कर लो, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गलत लिख दिया मैंने शायद, 7.5% है, कितना भाई ये 7.5%, ठीक है, यहाँ पे भी 7.5 लिख लो। अच्छा पॉइंट हटा के मैं इसका नीचे क्या लिख देता हूँ भाई, 10 लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि ईजी कट सके अपना। अच्छा ये आ गया अपने पास भाई, ठीक है। अब देखो इसको 5 से तो काट सकता हूँ मैं, क्योंकि 5 पे दोनों कट जाएंगे, ये 5 पे काटने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कटेगा कि नहीं कटेगा। 5 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, 15 आ जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है। उसके बाद 5 से ऊपर काटो इसको, देखो 5 × 5 = 25, बचिए कितना भाई 2, 5 × 5 = 25, फिर बचिए 2, 5 × 5 = 25, तो कितना आ गया अभी अपने पास यहाँ पर ये 555 आ जाएगा। अब नीचे फिर भी 15 बचा हुआ, कितना बचा हुआ नीचे 15 बचा हुआ है, तो 5 पे फिर वापस काट लेते हैं, देखते हैं कटेगा कि नहीं कटेगा भाई, ठीक है। तो 5 पे काटूंगा तो कितना आएगा, 5 × 3 = 15, तो फिर 5 पे 1 1 1 111 आ गया भाई, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए 37 पे भी कट जाए शायद, ये 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है, देखो 3 × 7 = 21, बच गए 2 × 3 = 9 और 2 = 11, पूरे का पूरा कटेगा भाई किस पे, ये 3 पे, किस पे कटेगा, 3 पे कटेगा, किस पे कट जाएगा भाई 3 पे, तो अपने पास कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर, ये ऊपर 3 बच गया। अब जो जो चीजें बची हुई ना वो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर कितना था, 3 था, 3 से ये 3 कट गया भाई, पूरी चीज कट गई, जो जो कटी हुई चीजें वो लिख लेता हूँ मैं साइड में, ठीक है। देखते हैं क्या क्या बचा, ऊपर बचा भाई यहाँ पर आपके पास 2 बचा एक तो, ठीक है, मल्टीप्लाई में, और क्या बचा ऊपर 100 बचा, ठीक है, नीचे सारा कट गया, नीचे 1/10 बचा, क्या बचा 1/10, 10 घूम के ऊपर चला जाएगा तो जाएगा 2, पीछे 2 जीरो है, 100 मल्टीप्लाई में 10, तो आ जाएगा पूरा आंसर 2000, कितना आ जाएगा भाई कट के 2000 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया भाई इंटरेस्ट, पहला पार्ट था ना जो मंथली डिपॉजिट, वो कितना आया 2000 आया,
यहां पे आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, सेकंड वाला करते हैं ठीक है। सेकंड में देखो आपको क्या बोला, आपको निकालने के लिए वो बोला भी मेच्योरिटी निकालो एमवी में, एमवी यानी कि मेच्योरिटी वैल्यू। फॉर्मूला आपको पता है, पी प्रिंसिपल कितना भी आपका एरा 2000 है, कितना है 2000 इंटू में एन, एन यानी कि हमारा कितना भाई यहां पर 36 है, सॉरी 100 क्यों लिख रहा हूं मैं, 36 है ना सिर्फ, हाँ। उसके बाद प्लस में फिर आपका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना गिवन था भाई आपको एरा 8325। चलो भाई मल्टीप्लाई करते हैं, 36 2 जो होता है 72, 72,000 में आपने ऐड करना भाई 8325। अच्छा अब आपको पता 72,000 और 8,000 कितना होता, पूरा 80,000 और पीछे 325, कितना भाई 325 रुपीस। तो फाइनल आंसर आएगा आपका 80,325 और क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता भाई यहां पर फोर्थ वाला। फिफ्थ पे चलते हैं, देखो कटरीना ओपन करती है एक आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट विद अ एनबी यानी कि नेशनलाइज्ड बैंक के साथ फॉर अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स, टाइम दे रखा है 2 इयर्स ठीक है भाई। इफ द बैंक पेज इंटरेस्ट एट 6% रेट दिया 6%, मंथली इंस्टॉलमेंट कितना 1000 यानी कि प्रिंसिपल आपका 1000 है, तो आपने इंटरेस्ट निकालना है 2 साल के अंदर और फिर मेच्योर वैल्यू, तो सिंपल है। तो पहले निकालते हैं वैल्यू हम इंटरेस्ट की। अब आपको पता है, पहले वैल्यू लिख लेता हूं मैं, क्या क्या गिवन आपको, प्रिंसिपल कितना दिया भाई, प्रिंसिपल आपका रुपीज 1000, कितना भाई 1000 ठीक है भाई। उसके बाद और क्या गिवन आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है भाई 6% का ठीक है। टाइम कितना भाई 2 साल है, टाइम है आपका 2 साल, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मंथ में 2 × 12 करेंगे तो 12×24 24 मंथ आ गया भाई ठीक है। अच्छा अब सारी वैल्यू पुट करते हैं इंटरेस्ट के फॉर्मूले में, आई निकालना ना हमने पहले पार्ट में, पहला पार्ट कर रहा हूं मैं, आई वैल्यू निकालते हैं। प्रिंसिपल कितना भी आपका 1000 मल्टीप्लाई में एन यानी कि 24 इंटू में 24 प्लस में 1 करते हैं, आपको पता है डिवाइड में 24 आएगा, मल्टीप्लाई में रेट कितना भी आपका 6 है बटा में 100 की 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 24 से 24 कट गया, तो आपका आई कितना आ जाएगा भाई 10 बचा यहाँ पे, मल्टीप्लाई में 24 और 1 25 मल्टीप्लाई में 6 25 6 150 और 0 2 जीरो यानी कि 1500, कितना 1500 आ गया आपका यहाँ पर इंटरेस्ट आपका ठीक है भाई। इंटरेस्ट हमने निकाल दिया, अब आपको निकालना है सेकंड पार्ट मैच्योर वैल्यू ठीक है भाई। सेकंड पार्ट में देखिए आपको मैच्योर वैल्यू की फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, प्रिंसिपल इनटू एन, प्रिंसिपल कितना 1000 है, एन 24 है भाई आपका, प्लस में कितना 1500, तो 24000 मल्टीप्लाई करके आ जाएगा इनटू प्लस में 1500, जोड़ोगे तो 25500 हो गया भाई ठीक है, और ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर ₹25,500 आपका सेकंड पार्ट का आंसर मैच्योर वैल्यू एमवी की वैल्यू निकाल दी हमने यहाँ पे। तो आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी कंप्लीट हो जाता है भाई, नेक्स्ट वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स करते हैं भाई, यहाँ पर देखिए आपको सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, अहमद हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक, उसके पास एक बैंक के अंदर अकाउंट है भाई यहाँ पे रिकरिंग ठीक है, डिपॉजिट करता वो 2500 पर मंथ यानी कि आपका प्रिंसिपल आ गया, प्रिंसिपल क्या भाई मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ₹2500 ठीक है भाई फॉर 2 ईयर, टाइम कितना भी आपके पास यहाँ पे टाइम भी लिख देता हूँ मैं, टाइम आपके पास यहाँ पर दिया हुआ 2 ईयर, मंथ में कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 मंथ आ गए भाई यहाँ पर। उसके बाद फिर क्या बोला है, इफ ही गेट्स रुपीज 66,250 एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, यानी कि उसको मेच्योरिटी के टाइम पे इतने पैसे मिलेंगे यानी कि इसकी एमवी वैल्यू है मेच्योरिटी वैल्यू ठीक है भाई, तो फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक। तो सबसे पहले मेच्योरिटी वैल्यू देख लो यहाँ पे क्या आपके पास, एमवी आपको दिया आपकी बार मेच्योरिटी वैल्यू कितनी दी अभी 66,250, आपको निकालना क्या है यहां पर, पहले निकालना है द इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक, आई की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है अभी, आई की वैल्यू आपको निकालनी है यहां पर। उसके बाद क्या निकालना है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या निकालना है अभी, आर की वैल्यू निकालनी है रेट ऑफ इंटरेस्ट की, कितना परसेंट होगा। तो सबसे पहले मैं आई की वैल्यू निकालता हूं, आपको पता है एमवी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, P इंटू में N प्लस में I, ये P इंटू N इस साइड प्लस में, पूरे का पूरा इस साइड आके माइनस में, तो I किसके इक्वल होगा भाई MV माइनस में P इंटू N। चलो भाई वैल्यू पुट कर लेते हैं इसकी, देखते हैं क्या आएगा आपके पास, MV कितना अपने पास 66,250 माइनस में P की वैल्यू, प्रिंसिपल कितना 2500 है मल्टीप्लाई में N, नंबर ऑफ मंथ कितने अभी 24 है ठीक है भाई, ये था आपका। अब चलो सोल्व कर लेते हैं इसको, देखते हैं कितना बचेगा आई की वैल्यू,
तो सोल्व करेंगे तो इसके कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर 66,250 में से माइनस करना ये, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 66,250 माइनस में। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 25 चौके 100 की 0, 10 कैरी गया भाई, 25 दूनी 50 और 10 60 और 2 0 पीछे वाली है, तो 60,000 आ गया भाई। और 66,250 में से अगर मैं 60,000 माइनस करूंगा तो मेरा जो इंटरेस्ट है वो कितना बचेगा भाई यहां पर, वो बचेगा मेरा 6,250। ये लो भाई, जो पहला पार्ट था ना आपका द इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक, वो ये है पहला पार्ट था जो आपका वो सोल्व हो चुका है भाई। जो इंटरेस्ट पे करना था गवर्नमेंट, जो बैंक था उसने, वो कितना है आपका 6,250। अब हमें निकालना है यहां पर क्या भाई, आपका आर, ये तो निकल गया आपका इंटरेस्ट, तो आर निकालना भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो कैसे निकालेंगे, आई वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू। अब आपको पता है आई का फॉर्मूला एज इट इज क्या होता था, फॉर्मूला आई का पी इंटू में एन इंटू एन प्लस वन बाय में 24 इंटू में आर बाय में 100, यही फॉर्मूला होता था ना भाई, इक्वल टू इंटरेस्ट कितना गिवन है अभी आपको, आई की वैल्यू है 6,250। चलो भाई सोल्व करते हैं इसको, वैल्यू पुट कर देते हैं सारी की सारी, देखते हैं क्या बचेगा। प्रिंसिपल आपका 2,500, एन की वैल्यू कितनी है 24 है, कितनी अभी 24, 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा 25, मैं यहीं पे वैल्यू पुट कर रहा हूं 25 इंटू में, रेट हमें निकालना आर डिवाइड में कितना भाई 24 है और इंटू में 100 है, ठीक है ना, ये 100 भी था। देखो 25 फोर जो 100 होता है, ठीक है 24 से 24 कट जाएगा, ठीक है, और कुछ कट रहा है भाई, ये काट देते हैं 4 से, ये कट जाएगा 4 से के 24 बच गया 1, 4 दुनिया 8 बच गए 2, 4 पंजे 20, 625। अब देखो ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ, 625 इस सेट मल्टीप्लाई में आर के साथ यहां लिख रहा हूं मैं, बाकी की चीजें बची हुई चलो पहले वहां लिख देता हूँ, 6,250 इस साइड कर रहा हूं मैं, मेरे पास बचा इस टाइम 625 मल्टीप्लाई में आर इज इक्वल टू क्या बचा भाई 6,250। चलो ये तो हो गया क्वेश्चन खत्म, 6,250 साइड जाके डिवाइड में, तो आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा भाई 6,250 बाई में 6,250, इससे कट गया तो हमारे पास 10 बचा, क्या बचा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा 10%। ये लो भाई क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 कितना सिंपल था देख लिया आपने, ठीक है। सेवंथ पे चलते हैं, मिस्टर गुप्ता है कोई ओपन कर रहे हैं एक वही रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक, ही डिपॉजिटेड 2,500 पर मंथ, वही है टाइम आपका और प्रिंसिपल आपको दे रखा है, लिख लेता हूं मैं, प्रिंसिपल आपको दे रखा है रुपीज सेम है 2,500 जो पिछले क्वेश्चन में था, टाइम भी सेम है भाई, टाइम 2 ईयर है तो मंथ कितने हो जाएंगे 24 मंथ, ठीक है भाई मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अब तो पता चली गया आपको, 1200 मल्टीप्लाई करना है। एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी ही गोट रुपीज 67,500, तो इसमें भी सेम ही चीज आएगी भाई, आपको मेच्योरिटी वैल्यू दिया एम भी, कितनी दिया भाई 67,500। फिर क्या बोला भाई, फाइंड द टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय द मिस्टर गुप्ता एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, वही चीज निकालनी है, पहले आपको निकालना पड़ेगा आई, फिर आपको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है भाई। तो पहले आई की वैल्यू निकालते हैं, मैं अब आई का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या आई का फॉर्मूला, ये रहा देखो एम वी माइनस पी इंटू एन, आई का फॉर्मूला क्या भाई यहां पर, मेच्योरिटी वैल्यू माइनस में प्रिंसिपल इंटू में नंबर ऑफ मंथ। चलो भाई आई की वैल्यू निकालते हैं, एम वी कितना भी 67,500 माइनस में पी कितना है प्रिंसिपल अपना भाई यहां पर 2,500 है, मल्टीप्लाई में एन कितना भाई 24 है, आपको पता है 67,500 एज इट इज माइनस में 25 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो यार मल्टीप्लाई किया था 25 को 24 से तो आया था अपना 60,000, कितना आया था 60,000, तो डायरेक्ट लिख दिए 60,000 यहां पर। अब सोल्व करते हैं इसको, बचेगा 7,500, ये आई है भाई आई की वैल्यू, किसकी वैल्यू आई है, आई की वैल्यू आ गई। फिर आपको पता है इंटरेस्ट निकालने के लिए फर्स्ट पार्ट था आपका, क्या था ये फर्स्ट पार्ट, अब सेकंड पार्ट कर रहे हैं यहां पर, मैंने यहां पे सेकंड पार्ट नहीं लिखा, ये लो भाई सेकंड पार्ट लिख देता हूं यहां पे भी, ठीक है। तो यहां पर सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं, अब देखो इसमें क्या करेंगे, आई का फॉर्मूला रखते हैं, आई का फॉर्मूला आपको लिखने की जरूरत नहीं है भाई क्योंकि मैंने लिख दिया था पहली बार, आप तो लिख लेना खुद, तो बट मैं नहीं लिख रहा हूं यहां पर, यही फॉर्मूला लगेगा सेम टू सेम पी इंटू एन वाला। प्रिंसिपल कितना भी मैं वैल्यू डाल रहा हूं सीधी 2,500 है, एन कितना भाई 24 और एन प्लस 1 यानी कि 24 प्लस 1 25 मल्टीप्लाई में आर अपॉन में 24 आएगा और 100 आएगा इज इक्वल टू कितना भाई साइड 7,500। देखो भाई 25 से काटेंगे 25 चौके 100 आ गया, 24 से 24 कट गया, 4 से इसको काटेंगे तो कितना बचेगा भाई अपना, ये देखो ये बचा था 625, सेम चीज बच रही है यहाँ पे 625 बचेगा, ठीक है भाई। अब 625 साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, आपको पता जैसे देखो कहाँ क्या था, ये रहा देखो 625 साइड जाके डिवाइड हुआ था ना, वैसे ही होगा वो भी वहां पे, तो वहां पे डिवाइड कर देते हैं अभी, देखो 625 मल्टीप्लाई में आर इज इक्वल टू बचा 6,750,
65 मल्टीप्लाई में 62 जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड कर देते हैं इसको, आर इजल टू आएगा 67 ले लिया क्या मैंने, सॉरी 6 नहीं आएगा यहाँ पे, 7500 कितना था, 7500 आएगा बेटा यहाँ पे 7500। उसके बाद भाई 625 डिवाइड में चला जाएगा, अभी कहाँ चला जाएगा 625 डिवाइड में। चलो भाई काट लेते हैं इसको, देखते हैं कितने पे कटेगा, पहले 25 पे काटता हूँ मैं, ठीक है। देखो 25 पे इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा अपने पास भाई, यहाँ पे 25 को 25 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 625 आता ना, तो इसको काटूंगा 25 से 25 आ गया, ऊपर आएगा 25 75, पूरा 300 आ गया भाई, कितना आ गया 300। फिर 25 से काटता हूँ ऊपर भाई, तो ऊपर आएगा अपना पूरा पूरा 12%, कितना भाई 12%। तो आपका जो रेट है, रेट कितना आ गया भाई, यहीं पे लिख रहा हूँ मैं, रेट आ गया आपका यहाँ पर 12%, जो आपको निकालना था। और आपका क्वेश्चन नंबर 7 है जो कंप्लीट हो जाता है, देखा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था भाई, ऐसे ही करने अगले वाले भी सेम ही टाइप के आएंगे, ऐसे आपको इंटरेस्ट और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, ठीक है। नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं भाई, जो हमारा 8th क्वेश्चन है, सेम टू सेम हमारा जो हमने 6th और 7th क्वेश्चन किया वही करना है इसमें भी, ठीक है भाई। देखो क्या बोला है, मिस्टर थॉमस है जिनके पास 4 साल का अकाउंट है भाई, किसके अंदर, सीबी कॉर्पोरेशन बैंक में, जो कौन सा अकाउंट है भाई, डिपॉजिट रिकरिंग अकाउंट वाला है इसका, जो पे करते हैं वहां पर हर मंथ कितना भाई 650 रुपीज, और वो रिसीव करेंगे 36,296 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। फाइंड करना हमने वहां पर, तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है इंटरेस्ट निकालो या निकालो, मैंने छोटा लिख दिया, आपको पता तो है ही है, आई निकालना इंटरेस्ट और आर निकालना रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है भाई। तो शुरू करते हैं, देखो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है, पहले आपको प्रिंसिपल देखते हैं क्या गिवन है भाई, ₹650, कितना भाई ₹650 आपको इंटरेस्ट गिवन है, और प्रिंसिपल हो गया, टाइम कितना भाई 4 ईयर का, कितना है 4 ईयर का, और मंथ कितने हो जाएंगे भाई, 4 गुना में 12 करोगे तो 12 चौक 48 48 मंथ हो गए यहाँ पे, ठीक है भाई। और आपको MB यानी कि कौन सी वैल्यू दे रखी है भाई, आपको मेच्योरिटी वैल्यू दे रखी है कितनी भाई, 36,296। अब आपको पता भाई आई निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है, मैं लिख रहा हूँ MV यानी कि कितना है 36,296 माइनस में प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना भी यहाँ पे 650 मल्टीप्लाई में N होता है नंबर ऑफ मंथ, कितने अभी 48। चलो भाई सोल्व कर लेते हैं इसको, देखो कितना बचेगा आपके पास, 36,296 में से माइनस करना है, मल्टीप्लाई कर लो भाई यहाँ पे, मैं यहाँ साइड में कर रहा हूँ 65 को कर रहा हूँ 48 से, पीछे जीरो लगा दूंगा ना फिर बाद में, 8 5 40 चार करेगा, 8 6 48 और 4 52 4 5 20 दो करेगा भाई, 4 6 24 और 2 26 0 2 6 5 11 13 आ जाएगा भाई 3,000 और 0, एक पीछे 0 वाले लगाया भाई मैंने यहाँ पे, 31,200 आ गया आपका यहाँ पे पास। तो देखो अब क्या बचेगा भाई आपके पास, यहाँ पे 6 का 6 बचेगा, ठीक है, 9 का 9 बचेगा, ठीक है, 2 में से 2 गई 0 बचेगा, ठीक है, 36 में से 31 गया 5 बचेगा, तो कितना बचेगा भाई ₹5,096 आपका यहाँ पर इंटरेस्ट आ गया। पहले वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट हो जाता है, अब हम करते हैं सेकंड पार्ट जो निकालना था इसमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आपको पता आई का फॉर्मूला पता है ना क्या होता है, आई का फॉर्मूला क्या था भाई, लिखो यहाँ पे देखो, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना भी आपका ये रहा 650 मल्टीप्लाई में n होता है नंबर ऑफ मंथ 48, फिर 48 प्लस 1 यानी कि 49 इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट r डिवाइड में कितना 24 और इंटू में 100, ठीक है भाई ये कर देंगे यहाँ पे, इक्वल टू कितना भी इंटरेस्ट कितना आपका ये रहा 5096, कितना भाई 5096, ठीक है भाई। चलो सोल्व कर लेते हैं, देखो क्या कट रहा है, 0 से कट गया 0, ठीक है भाई, 24 से काटो 24 दूनी 48, ठीक है, 2 से काटो 2 5 10, ठीक है, 5 से काट दो 13 5 65, ठीक है भाई। अब अपने पास क्या बचा मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, 13 बचा ऊपर एक तो, ठीक है, मल्टीप्लाई में 49 बचा है, ठीक है, मल्टीप्लाई में आर रेट ऑफ इंटरेस्ट बचा इज इक्वल टू 5096। चलो भाई अब ये दोनों मल्टीप्लाई में उसे जाएंगे तो डिवाइड में, यहाँ कर रहा हूँ मैं साइड में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके कुल बचेगा भाई 5096 बाय में, एक तो 13 जाएगा डिवाइड में, एक जाएगा 49। चलो भाई अब इनको काट लेते हैं, देखते हैं किस पे कटेगा ये। अब सबसे पहले मैं इसको 7 पे काट लेता हूँ भाई, 7 7 49 हो गया, 7 7 49 एक बज गया, 7 14 बच्चे कितने भाई 19 में 14 गए 5 7 56, ठीक है भाई। फिर वापस 7 पे काट लेता हूँ, 7 7 7 4 28.108 लग जाएगा, जब दो चीजों को इकट्ठा डिवाइड करते हैं ना, देखो जब दो चीजों को इकट्ठा डिवाइड करते हैं तो बीच में जीरो लगानी पड़ता आपको पता ही है, तो 7 1 7 पिछ जीरो लगेगी बीच में, 7 4 28, ठीक है, 7 4 28 है, सॉरी मैंने 8 लिख दिया, 7 4 28। उसके बाद 13 8 104 होता है भाई, तो लास्ट में जो बचा ना कट कट आ गया वो बचा 8, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% आएगा फाइनल आंसर आपका, ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। 9th देख लीजिए, तन्वी हैज अ RDA यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है इन अ फाइनेंस कंपनी फॉर 1.5 ईयर, टाइम दे दिया भाई आपको, टाइम लिख लीजिए 1.5 ईयर, कंप्लीट करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, और 3/2 ईयर को हम मंथ में करते हैं तो 3/2
मल्टीप्लाई में 12, 2 × 12 छेती 18, 18 महीने भाई कितने, 18 महीने आ गया, 18 मंथ। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा आपको 9% दे रखा है, और क्या दे रखा भाई आपको, सी गेट रुपीज 15,426 एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, यानी कि एम वी वैल्यू दे रखी आपको, मेच्योरिटी वैल्यू कितनी भाई 15,000 और कितना 426। उसके बाद हाउ नेक्स्ट देखिए आगे क्या लिखा, हाउ मच पर मंथ हैज बीन इन्वेस्टेड बाय हर, यानी कि प्रिंसिपल आपको निकालना है, आपके पास प्रिंसिपल नहीं है, तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले प्रिंसिपल निकालने के लिए आपके पास मेच्योरिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर, ठीक है। तो मेच्योरिटी वाला फॉर्मूला देख लीजिए आपके पास क्या होता था, जैसे हमने यहां पर लगाया मेच्योरिटी का फॉर्मूला, वैसे आप यहां पर भी लगा सकते हो, सिंपल है बिल्कुल। देखो कैसे करोगे, एम वी इज इक्वल टू पी इंटू में क्या होता था भाई अपने पास, एन माइनस में आई, ठीक है भाई। अब मैं आई की वैल्यू भी सीधा पुट कर रहा हूं यहां पे, क्या पुट कर रहा हूं, आई की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं यहां पे, आई की वैल्यू क्या थी अपने पास, फॉर्मूला देखो भाई, पी इंटू में एन इंटू, इंटू लगाने की जरूरत नहीं, सीधा एन इंटू एन प्लस वन कर देते हैं, एन इंटू एन प्लस वन बाय में 100 बाय में 24 इंटू में रेट बाय में 100। ये फॉर्मूला था भाई आपके पास पूरे का पूरा, इस पूरे फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करनी है आपने बस, ठीक है, समझ गए ना मेरी बात, पूरे फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर दो। देखो एम बी की वैल्यू कितनी आपके पास, ये रहा 15426, कितना 15426, प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, ठीक है, प्रिंसिपल की जगह पे प्रिंसिपल ही रखेंगे, इनटू में एन की जगह पे क्या रखेंगे 18 रखेंगे, कितना रखेंगे भाई 18, प्रिंसिपल हमें नहीं पता, प्रिंसिपल एज इट इज 18, और 18 प्लस 1 कितना हो गया 19, डिवाइड में कितना भाई 24, मल्टीप्लाई में रेट कितना भाई अपने पास, ये रहा 9 है, 9 लिखो भाई यहां पे, अपॉन में 100। चलो भाई ये सारी वैल्यू लिख दी आपने, अब जो जो चीज कट रही है उसको काट लेते हैं, बाकी एज इट इज लिख देंगे। देखो भाई 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, ये आ गया भी आपके पास, ठीक है। और कुछ बच रहा है भाई यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा, 4 से तो ऊपर नहीं कटेगा, कुछ ऐसा ही रहेगा भाई, ठीक है, बस इतना ही रहेगा, ये लिख देता हूँ मैं इसको क्या क्या बचा, 15426 = 18p लिखूंगा मैं इसको माइनस में। अब इसको देखो मल्टीप्लाई करके क्या बचेगा मेरे पास, और क्या क्या रह रहा है भाई यहाँ पे, 19 इंटू में 9 × 3 = 27 पी बाय में 4 × 100 = 400, कितना भाई 400, ठीक है भाई, ये बचा मेरे पास। अब मैं क्या कर रहा हूं, पूरी इक्वेशन को 400 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, पूरी इक्वेशन को 400 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और आप कह सकते हो या फिर मैं एलसीएम ले रहा हूं 400 से, सिंपल है, बट एलसीएम में आपको प्रॉब्लम आएगी, तो मैं क्या कर रहा हूं, बोथ साइड 400 से मल्टीप्लाई, यहां पे 400 से मल्टीप्लाई, यहां पे भी 400 से मल्टीप्लाई, यहां पे भी 400 से मल्टीप्लाई। अब देखो क्या होगा इससे मल्टीप्लाई करने से, 400 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई मत करो भी, ऐसे रख लो इसको, क्योंकि डिवाइड करना पड़ेगा अभी आपको, 15,426 और ये 400 आ गया, इसको 400 से मल्टीप्लाई कर लो, 34 × 74 = 72 और पीछे 2 जीरो है 7,200 माइनस में, इस 400 से ये 400 कट गया, ठीक है भाई, आपने साइड में लिख देना है बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 400, ठीक है भाई, ये लाइन लिख देनी है आपने रीजन में। उसके बाद देखो 19 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं भाई यहां पर, 19 और 27 की मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं यहां पे, 9 × 3 = 63, 9 × 2 = 18 और 6 = 24 एज इट इज, 3 × 7 = 11, 2 × 2 = 5 513 भाई, कितना ये बच्चा अपने पास यहां पर 513 पी, पी आ जाएगा भाई यहां पर, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए अब हमने वैल्यू निकाल लिया दोनों की, अब इनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे भाई इनको, यहां पे हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था भाई, मेच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू होता था प्रिंसिपल इनटू में नंबर ऑफ मंथ प्लस में इंटरेस्ट होता था, क्या होता था प्लस में, सॉरी मैंने माइनस लिखा यहां पे, प्लस आएगा भाई, कितना आएगा अपने पास यहां पे, प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा यहां पे। अब दोनों को जोड़ लो भाई, इनको क्या करेंगे जोड़ लेते हैं, तो देखो कितना आएगा अपने पास यहां पर जोड़ेंगे तो 7200 है ना, तो जुड़ कर हो जाएगा 7713 और यहां पे पी आ जाएगा। अब आपको क्या करना, क्या बस इसको डिवाइड में भेज दो, क्या भेज दो, डिवाइड में भेज दो इसको, तो पी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी भाई, 15426 मल्टीप्लाई में 400 डिवाइड में कितना भाई यहां पर 7713। अच्छा एक चीज ध्यान से देखो, अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है 6 आता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 आता है, ठीक है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं 14 का 4 है, 1 कैरी गया भाई, 7 × 2 = 14 और 1 = 15, देखा पूरा पूरा आ रहा है, इसको हम सीधा डायरेक्ट काट सकते हैं इसको 2 पे, किस पे भाई 2 पे, तो 2 को 400 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 800, कितना भाई 800, तो यही आपका फाइनल आंसर है भाई। तो जो प्रिंसिपल होगा आपका, जो आपको प्रिंसिपल निकालना था वो कितना आएगा रुपीज 800 आएगा, उसको 800 पर मंथ देने पड़ेंगे वहां पे, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं भाई। यहां पर देखिए जो 10th क्वेश्चन है ना, सेम टू सेम जो हमने अभी 9th क्वेश्चन किया ना वैसा ही है। देखो कैसे करेंगे, पूनम ओपन आ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट विद बैंक ऑफ बड़ौदा फॉर 1.5 ईयर। टाइम देख लो भाई क्या दिया आपको, 1.5 ईयर दिया है। कंप्लीट करोगे तो आपको 3/2 और मंथ में कन्वर्ट करोगे तो भाई कितना आ जाएगा यहाँ पे, 18 मंथ आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर, 18 मंथ। टाइम तो आ गया आपका। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 6%, आर की वैल्यू दिया अभी आपको 6%। बैंक पे कर रहा उसको कितने भाई, 11,313 ऑन द मेच्योरिटी, यानी कि मेच्योरिटी वैल्यू। एम बी दे रखा आपको कितना भाई, रुपीज 11,313। ठीक है भाई, ऑन मेच्योरिटी फाइंड पी, पी यानी कि प्रिंसिपल निकालना है, कितने वो मंथली डिपॉजिट करती थी बैंक में। ठीक है भाई, तो सिंपल है, प्रिंसिपल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मेच्योरिटी वैल्यू दे रखी है आपको, फॉर्मुला लगा लेते हैं मेच्योरिटी वैल्यू का। एम बी की वैल्यू यानी कि 11,313 आपका किसके इक्वल हो जाएगा भाई, मेच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू, फिर क्या आता था भाई अपने पास यहाँ पर, आता था यहाँ पर पी इंटू एन। पी यानी कि प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, एन कितना भी अपना 18, फिर प्लस का साइन आएगा यहाँ पे, हमने पिछली बार माइनस डाल दिया था गलती से, प्लस आएगा भाई यहाँ पे। ठीक है, पिछली बार भी तो यहाँ पर देखिए प्लस आ जाएगा। उसके बाद फिर करते थे हम यहाँ पर क्या भाई, आई इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमारा क्या होता है भाई, पी इंटू एन, पी कितना हमें पता नहीं है, एन हमारा कितना भाई 18 है, तो 18 आ जाएगा इंटू में 18+1 यानी कि 19, इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट आर कितना भाई 6, डिवाइड में क्या होता था भाई आपका 24 इंटू में 100 है ना, यही होता था। चलो भाई अब सोल्व कर लेते हैं, देखते हैं इसको क्या बचेगा अपने पास यहाँ पर। पहले काटता हूँ मैं इसको 6 से, 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, फिर काटता हूँ मैं इसको 2 पे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है भाई, अब लिख लेते हैं, देखते हैं क्या बचेगा अपने पास, 11313 इज इक्वल टू 18p प्लस में 3 कितना हो जाएगा 9, और 19 जा कितना होता है 171 होता है भाई, साथ में लगेगा p, नीचे आएगा कितना भाई 200, कितना 200। अब देखो मैं यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ भाई, नीचे 1 लगा के एलसीएम लूंगा इस साइड, तो अपना आ जाएगा 11313 इज इक्वल टू, नीचे तो एलसीएम आ जाएगा 200, कितना भाई 200, 200 को 18 से करता हूँ, 18 36 36 हो गया भाई, प्लस में 1 को 171 से करूंगा तो 171 पी आ जाएगा। अब देखो 11313 आपका किसके इक्वल जाएगा भाई, ये दोनों को जोड़ दो, कितना बचेगा भाई यहाँ पे, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, आ जाएगा 30 और 17 37 171। ठीक है भाई, आ जाएगा अपने पास। उसके बाद पीछे लग जाएगा पी, नीचे है भाई 200। अब आपको पता है ये दोनों साइड मल्टीप्लाई में उस साइड जाके डिवाइड में रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तो पी की वैल्यू आ जाएगी आपकी भाई 11313 मल्टीप्लाई में, 200 तो ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, और डिवाइड में क्या जाएगा 3771। अब ध्यान से देखिए, अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, 3 1 जा 3, फिर 3 7 जा 21 का 1, ठीक है भाई 1 आ गया, देखो 2 कैरी गया, 3 7 जा 21 और 2 23 3, 2 कैरी गया भाई, 3 3 और 2 11, पूरा पूरा कट रहा है, किस पे 3 पे कटेगा पूरा पूरा ये, तो 3 × 200 कितना हो जाएगा भाई 600, तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 × 200, तो हो जाएगा प्रिंसिपल हमारा 600 रुपीज, यानी कि इसको मंथली 600 रुपीज पे करने पड़ेंगे, और जो उसका बोल सकते हैं आप इंस्टॉलमेंट बोल दो या फिर ईएमआई बोल दो, वो पे करनी पड़ेंगी, तो उसको बाद में मेच्योरिटी में इतने पैसे मिल जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई, 10 था। 11 करते हैं, 11 थोड़ा सा अलग है और इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान से समझना है। कविता हैज अ कम्युलेटिव टाइम डिपॉजिट अकाउंट, उसका भाई मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है क्योंकि स्टेटमेंट लिखने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो आप समझ लेना, क्वेश्चन तो वैसे लिखा ही हो तुम्हारी बुक में। इन अ बैंक सी डिपॉजिट रुपीज 600 पर मंथ, यहां से भाई मैं इसको यहां पे लाइन लगा देता हूं कि ये वाला क्वेश्चन यहां से शुरू कर रहा हूं मैं। प्रिंसिपल आपको गिवन है भाई कितना यहाँ पे 600, कितना रुपीज 600। उसके बाद एंड गेट 6165 एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, एम वी यानी कि मेच्योरिटी वैल्यू आपको क्या रखी है भाई यहाँ पर 6165। ठीक है भाई, उसके बाद इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 6% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना भी आपका यहाँ पर आर की वैल्यू है 6%। ठीक है, उसके बाद बताना है फाइंड टाइम, टाइम निकालना भाई हमने यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे हम, फॉर्मूला लगा देंगे इंटरेस्ट वाला। इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला किसके इक्वल होता है हमारा, आपको पता ही है इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अपने पास मेच्योरिटी वैल्यू में से माइनस करते हैं हम किस चीज को, पी इंटू एन को, किसको भाई पी इंटू एन को। ठीक है, अब आई की वैल्यू लिखो सबसे पहले, आई क्या इंटरेस्ट आपका, पुट करते हैं वैल्यू, इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू एन, पी कितना भी अपना 600 है, कितना है 600, इंटू में एन कितना भी अपना यहाँ पर, एन होता है नंबर ऑफ मंथ, हमें नहीं पता तो इसको एन ही रखते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मंथ इंटू में एन प्लस वन, कितना भाई एन प्लस वन, इंटू में रेट, रेट कितना भी आपका 6%, 6 लाख, डिवाइड में कितना भी आपका यहाँ पर 24 और इंटू में 100,
ठीक है भाई, इज इक्वल टू एम वी, मेच्योरिटी वैल्यू कितनी अभी 6165 माइनस में P इंटू एन, कितना भी आपका P आपका 600 है ठीक है, इंटू में N। चलो भाई अब सोल्व करते हैं इसको थोड़ा सा, देखो यहाँ पर कितना आएगा। पहले मैं 6 से काटता हूँ, 6 4 24, 4 0 से 4 0 कट गई ठीक है भाई, 2 2 4 2 3 6, तो कितना बच गया, 3 को N से करूंगा 3N, ब्रैकेट में कितना N प्लस 1, नीचे डिवाइड में 2 है, इज इक्वल टू कितना भाई 6165 माइनस में 600 और n लग जाएगा साथ में, ये बचा भाई अपने पास। अब ये दो मल्टीप्लाई डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा इसको 3n को n से करोगे 3n स्क्वायर, कितना भाई 3n स्क्वायर, 3n को 1 से करोगे 3n, 2 को उस साइड जाके मल्टीप्लाई करना है दोनों से, किससे करना है भाई, दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों से करूंगा, 2 से करूंगा पहले इसको, 2 5 10 की 0 एक क्या रहेगा भाई, 2 6 12 और 1 13 का दिन का से लग गया, 1 2 1 2 1 3 और 2 6 12 ये आ गया भाई 12,330 माइनस में, 2 को करूंगा इससे 6 2 12 1200 हो गया भाई, कितना हो गया 1200 n, ठीक है भाई, इस 2 को उस साइड मैंने दोनों से मल्टीप्लाई किया और ये 2 खत्म हो जाएगा, समझ गया ना मेरी बात, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब ये बचेगा, अब इसको एक ही साइड में ले लो सारे का सारा, देखते हैं कितना बचेगा, 3n स्क्वायर ठीक है प्लस में 3n ठीक है, ये 12,330 साइड आगे माइनस हो जाएगा, माइनस का 12330, ये माइनस का साइड आगे प्लस हो जाएगा 1200 n इज इक्वल टू 0, ये बच गया भाई ठीक है। अच्छा अभी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसको ऊपर कर रहा हूं मैं सोल्व, 3n स्क्वायर ठीक है भाई, उसके बाद देखो 3n और प्लस में 1200 n, तो कितना हो जाएगा भाई अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास 1203, कितना भाई 1200 3n, कितना हो गया भाई 1200 3n हो गया अपने पास ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं भाई नेक्स्ट क्या बचेगा अपने पास भाई, यहां पर माइनस का कितना भाई 12330 12330, चलो भाई ये इक्वेशन बन गई। अब इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देंगे हम, इसको पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे भाई हम पूरी को 3 से, किससे 3 से, लिख देना साइड में डिवाइडेड बाय 3 बाय 3 ऑन बोथ साइड, बोथ साइड, चलो भाई 3 से इसको डिवाइड करो, 3 से इसको डिवाइड करो, 3 से इसको डिवाइड करो, 3 को इससे, 3 से 3 कट गया तो क्या बचा n स्क्वायर प्लस में 3 से 3 चौके 12 0 3 एकम 3 ये बचेगा माइनस में 3 चौके 12 3 एकम 3 3 एकम 3 पीछे 0 इज इक्वल टू 0। चलो भाई ये इक्वेशन बची आपके पास फाइनल, और मेरे ख्याल से बुक में ये हिंट में भी दे रखा आपको इतना, तो अब इसके फैक्टर करने, फैक्टर कैसे करोगे वो सोचो ध्यान से, यहाँ पे मल्टीप्लाई आपका, अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको मैंने करा रखी है, फैक्टराइजेशन मेथड मैंने पढ़ा था, तो सारी चीजें पिछली यूज कर रहे हैं हम इसको, 4110 आपके पास ये गिवन है भाई यहाँ पर, क्या ये 4110 इसको 2 से डिवाइड करो, 2 2 4 फिर बच गया यहाँ पर भाई कितना 2 5 10 बच गया 1 2 5 10 ये आ गया भाई आपका ठीक है। फिर इसको 5 से करो, 5 4 20 5 1 5 1 5 411 किस पे जाए 4 1 5 1 6 ना भाई 413 पे जा सकता है, बट इसको यहीं पे रख लो, 411 को रखो यहाँ पे, देखो एक तो 411 और एक 2 5 10, देखो ध्यान से दो फैक्टर बने हैं 411 और 2 5 10, दो फैक्टर बने हैं, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा यही आएगा मल्टीप्लाई करके, और जब इनको प्लस माइनस करूंगा 411 में से 10 गए तो 401 ही बचेगा ना, सिंपल है, 411 में से 10 माइनस करूंगा 401 बचेगा, तो मैंने फैक्टर बना दिया यहाँ पे, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे अब एन स्क्वायर प्लस में 411n माइनस में 10n माइनस में 4110। चलो भाई दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, n कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा भाई n प्लस 411 ठीक है, माइनस में 10 कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा n प्लस में 411। देखो भाई ध्यान से इन दोनों में से n कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा एक, तो n बचेगा और यहाँ पे 411 माइनस कॉमन ले लिया 10 का, इन दोनों में से बचेगा, अब इन दोनों को इक्वल टू 0 रखना भाई, कॉमन ले लो पहले n प्लस में 411 और एक बचेगा n माइनस में 10, इसको पहले 0 को इक्वल रखो, n प्लस में 411 इक्वल टू 0 रखेंगे तो कितना आएगा, n की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 411 और n माइनस 10 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 10। अब हमने चेक करना था कौन सा टाइम, कितने मंथ होंगे, माइनस का 411 मंथ माइनस में थोड़ी ना जाएंगे, महीने महीने तो प्लस में रहते हैं, क्योंकि माइनस में तो टाइम बैकवर्ड चला गया तो वो तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्या नहीं है ये पॉसिबल नहीं है, n इज इक्वल टू 10 मंथ ये हो जाएगा भाई, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 मंथ आ जाएगी, यानी कि जो हमने टाइम निकालना था भाई, टाइम कितना आया अपना
टाइम आया अभी 10 महीने, 10 मंथ लगेंगे टोटल वो मेच्योरिटी होने में, उसको जितने भी उसने पे किया इंस्टॉलमेंट। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको अच्छे समझ आ रहे हैं भाई, सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजी वे में कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको अगर क्वेश्चन अच्छे समझ आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो भाई, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी शेयर कर दिया करो चैनल, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है भाई। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं भाई। यहाँ पर 12th क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया है। कविता हैज अ कम्युलेटिव टाइम डिपॉजिट अकाउंट अभी उसका इन अ बैंक सी डिपॉजिट 800 पर मंथ, ठीक है भाई। तो प्रिंसिपल लिख लेते हैं पहले, यहाँ पर आपके पास प्रिंसिपल है भाई यहाँ पे रुपीज 800 पर मंथ, ठीक है भाई। एंड गेट एमबी, एमबी यानी की मेच्योरिटी वैल्यू आपको कितनी मिल रही है यहाँ पे देखो रुपीज 16,700। उसके बाद इफ द रेट इज 5% और आर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 5%, तो आपको टाइम निकालना है। इससे प्रीवियस क्वेश्चन किया था ना हमने टाइम वाला, याद करो टाइम वाला किया था। तो वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है, दोनों में हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाना पड़ेगा एक इक्वेशन बना के। तो बनाते हैं इक्वेशन। सबसे पहले आपको पता है हमारा आई है जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है अभी अपने पास, पहले चलो फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। आई इज इक्वल टू क्या होता है अभी अपने पास, एमवी माइनस में पी इंटू एन। चलो भाई ये फॉर्मूला लगाना है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी यानी कि प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना भी अपने पास यहाँ पे 800 मल्टीप्लाई में एन, एन हमें निकालना है तो एन इंटू एन प्लस वन एज इट इज रहेगा, इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट आर कितना है 5 बाय में 24 आएगा और साथ में 800 आएगा, ठीक है भाई। इज इक्वल टू फिर एम वी, एम वी कितना देखा अभी हमें 16,700 माइनस में पी प्रिंसिपल कितना 800 इंटू में एन। चलो भाई सोल्व करते हैं इसको, देखो सबसे पहले सोल्व करके क्या आएगा, दो जीरो से दो जीरो कट गया, ठीक है भाई। 8 3 24, 5 को n से मल्टीप्लाई करूंगा, 5n इंटू में n प्लस 1 डिवाइड में कितना भाई 3 इज इक्वल टू कितना भाई 16,700 माइनस में 800n। देखो भाई 3 डिवाइड में उसे जाके मल्टीप्लाई, 5n को n से करूंगा तो कितना हो जाएगा 5n स्क्वायर प्लस में 5n, 3 से मल्टीप्लाई करो देखो 3 से इसको करूंगा 3 0 0, 3 से इसको करूंगा 3 0 0, 3 से 1 लगे 2, 3 6 की 18 और 2 20 की 0, 2 कह रही है भाई 3 एकम 3 और 2 5, ये आ गया भाई, ठीक है। तीन से जब इसको मल्टीप्लाई किया माइनस में, तीन को भी इससे मल्टीप्लाई करो 3 8 24, ले भाई ये हमारा हो गया यहां पर, ठीक है। अब इसको हमने एक साइड लाना है और एक इक्वेशन बनानी है और उसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना बस। तो देखो भाई 5n स्क्वायर एज इट इज प्लस में 5n, ये प्लस का साइड आगे माइनस का कितना हो जाएगा 5 0 1 0 0 और ये माइनस का साइड आगे प्लस का 2400n इज इक्वल टू 0। चलो भाई जोड़ लेते हैं, अब देखो 5n स्क्वायर प्लस में 5n और 24n कितना हो जाएगा भाई 2405n, ये बन गया और ये जटी जाएगा। अब क्या करेंगे, बोथ साइड पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, हम किससे कर सकते हैं 5 से, तो लिख लो साइड में बोथ साइड डिवाइडेड बाय 5। चलो भाई 5 से डिवाइड करो, इसको भी 5 से, इसको भी 5 से, इसको भी 5 से और इसको भी 5 से, 5 से 5 कट गया तो n स्क्वायर बचा, ठीक है प्लस में 5 से काटेंगे 5 के 20 बच गए 40 हो गया, 5 8 40 बच गया 1, 5 1 5, ठीक है भाई। n माइनस में 5 से काटो 5 1 5 0, 5 2 10 0, ठीक है भाई। अच्छा सॉरी बीच में 2 0 आएंगे भाई यहाँ पे, 5 2 10 यहाँ पे 2 0 आएंगे, ठीक है भाई। 10,020 हो जाएगा ये, क्योंकि जब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,000 से दो चीजों के इकट्ठा काटा, तो 10,020 इक्वल टू 0 को 5 से करेंगे 0। तो ये बनी आपके पास एक जर्नल इक्वेशन। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना आपने बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मैं देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आना चाहिए आपका 10,020, तो मैं क्या करूंगा 10,020 के यहाँ पे फैक्टर बना लेता हूँ एक अलग से। देखो 10,020 के फैक्टर बनाऊंगा तो क्या आएगा आपके पास, अभी यहाँ पर 2 से करो पहले इसको, 2 से करोगे तो कितना आएगा 2 5 10 0, 2 1 2, फिर 2 से कर दिया, फिर करो इसको भाई आप 5 से कर, 2 से फिर कर लो, चलो 2 1 2, 2 2 4 बच गया 2 5 10, 2 5 10, ठीक है भाई 2505 हो गया। फिर इसको करो आप 5 से कर लो, आपकी बार ले लो 5 5 25, फिर बच गया 0 भाई 5 1 5। तो ध्यान से देखो आप, एक तो 501 बनेगा और एक 5 2 10, 10 2 20 और एक 20 बनेगा। देखो ध्यान से दो फैक्टर बनाए मैंने, 501 और 20। जब मैं 501 में से 20 माइनस करूंगा तो कितने बचेंगे अपने पास, 481 बचेंगे। देखा माइनस करके ये बचना चाहिए था अपना, तो इसको मैं स्प्लिट आउट कर लेता हूं, यहां कर देता हूं देखो n square as it is, उसके बाद प्लस का 501n माइनस में 20n और माइनस में 10,000 कितना भाई 20,
चलो भाई देखो, पहले दो में से क्या कॉमन आएगा, n कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा n प्लस 501। यहां से 20 कॉमन आएगा भाई, अंदर बचेगा n प्लस 501। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, n प्लस 501 और एक बचेगा n माइनस 20 इज इक्वल टू जीरो। दोनों को इक्वल टू जीरो लेते हैं, n प्लस 501 इक्वल टू जीरो और एक n माइनस 20 इज इक्वल टू जीरो। उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, n की वैल्यू माइनस का 501 और n की वैल्यू 20। अब बताओ मुझे कौन सी वैल्यू लोगे, क्योंकि पिछली बार भी ऐसे ही दो केस बने थे और मैंने आपको बताया था कौन सा केस लेना पड़ता है, कभी भी माइनस वाला नहीं लेना पड़ता, क्योंकि माइनस में मंथ नहीं जा सकते हैं, टाइम ऑफ पीरियड माइनस में नहीं जाता, तो नहीं लेंगे हम, क्या लेंगे 20 लेंगे भाई। तो आपका जो नंबर ऑफ मंथ आएगा वो कितना आएगा, 20 मंथ, कितना भाई, तो आपने जो टाइम निकालना था उसका आंसर आया 20 मंथ। ठीक है भाई, 13 क्वेश्चन ये भी देख लो कैसे करना भाई। डेविड ने ओपन किया भी एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिट 300 पर मंथ फॉर टू ईयर इफ ही रिसीव रुपीज 7725 एज अ मैच्योरिटी वैल्यू, तो बताना हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा। आर की वैल्यू निकालनी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको पहले बताया था कैसे निकालते हैं, आपको पहले कराया था रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले, दो तीन क्वेश्चन आए थे बीच में ना, तो वैल्यू लिख लेते हैं पहले क्या क्या गिवन है। अच्छा प्रिंसिपल देखो क्या दे रखा है, आपको रुपीज 300 दे रखा है प्रिंसिपल, ठीक है भाई। उसके बाद टाइम दे रखा है दो मंथ, दो साल, और उसको कन्वर्ट करेंगे 24 मंथ आ जाएंगे भाई, कितना आ जाएंगे। अच्छा उसके बाद एम दे रखा भाई आपको, कितना भाई 7725। अच्छा निकालना है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, आर की वैल्यू निकालनी है भाई। चलो भाई फॉर्मूला लगाते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए, आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट है जो उसको इक्वल रखना पड़ेगा भाई किसके, देखो यहाँ पे इंटरेस्ट है वो किसके इक्वल रखेंगे भाई, यहाँ पर हम इसको मैच्योरिटी वैल्यू के इक्वल, किसके इक्वल भाई, मैच्योरिटी वैल्यू के इक्वल। तो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, मैच्योरिटी वैल्यू किसके इक्वल होती है भाई आपकी, पता आपको, वो होती है भाई आपकी पी इंटू एन प्लस में आई के। तो मैच्योरिटी वैल्यू कितनी अभी 7725 इज इक्वल टू P, प्रिंसिपल कितना 300 इंटू में n कितना भाई आपका यहां पर 24 है, कितना है 24 प्लस में i कितना भी आपका यहां पर, i की वैल्यू कितनी आपके पास देखो, P कितना भी आपका 300 मल्टीप्लाई में n कितना 24 और 24 प्लस 1 25 मल्टीप्लाई में रेट निकालना है डिवाइड में 24 गुना में 100। ठीक है भाई, अब ये दोनों चीजें साइड आगे माइनस हो जाएंगी, 7725 माइनस में 24 होता है कितना होता है 7200 होता है, कितना होता है 7200 इज इक्वल टू 20 से 20 कट गई, 24 से 24 कट गया, 25 75, तो बचा 75 R, कितना बचा भाई 75 R। इसको माइनस कर लो इसमें से, देखो कितना बचेगा 25, तो पीछे एज इट इज आ जाएगा, ठीक है भाई, और 7 में से 2 गया 5 आ गया, ठीक है भाई, बस 7 में 7 गए 0 इज इक्वल टू 75 R। 75 मल्टीप्लाई में साइड आगे डिवाइड में, तो आर की वैल्यू आ जाएगी भाई 525 बाय में 75, आर इज इक्वल टू काट दो भाई 75 70 होता है पूरा 7% आ जाएगा कट के पूरा, इसको 7 पे काट सकते हैं हम डायरेक्ट, ठीक है, एस्टिमेशन लगा लेना है, फिर 5-5 के टेबल पे काट लो, समझ आया ना क्वेश्चन, वैल्यू डाल दी सारी की फॉर्मूले में, देखो 24 3 7200 होता है, ये प्लस में 7200 इस साइड आके माइनस में, तो मैं डायरेक्ट माइनस कर दूंगा इस साइड आके, इस साइड काट पीट के देख लेना ये बचेगा बस, फिर ये डिवाइड में आ गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% आ गया। छोटा सा क्वेश्चन था देख लो, ये 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता आपको, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 करते हैं। यहां पर देखिए 14 क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, प्रीति हैज अ आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट उसके पास, जिसमें 1000 पर मंथ वो डिपॉजिट करती हैं, तो प्रिंसिपल आपका कितना हो गया भाई, यहाँ पर आपके पास रुपीज 1000 हो गया, कितना हो गया भाई 1000 एट द 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका भाई 10%, एंड इफ सी गेट रुपीज 5550 एज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यानी कि आई की वैल्यू आपके पास ये कितने भी 5550, तो बताओ टाइम ऑफ मेच्योरिटी पे उसको मतलब कि कितना टाइम लगेगा पूरा टोटल अमाउंट मिलने में, तो टाइम निकालना आपको, टी की वैल्यू निकालनी है, फिर वही आपके पास पता आपको, यहाँ पर भी आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, बनाते हैं भाई आई वाली वैल्यू पुट करेंगे, आई का फॉर्मूला क्या होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल तो हमें नहीं, प्रिंसिपल हमारे पास कितना भाई यहाँ पर, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ डायरेक्ट, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, प्रिंसिपल है 1000 मल्टीप्लाई में, टाइम हमें नहीं पता भाई एन रखते हैं और एन प्लस 1 इंटू में रेट, रेट कितना भाई 10% डिवाइडेड बाई कितना होता था 24 इंटू में 100 इज इक्वल टू आई, इंटरेस्ट कितना भी आपके पास 5550। चलो भाई सोल्व करते हैं, देखो 20 से 20 कट जाएंगे, ठीक है, और आपके पास कितना बचेगा भाई, यहाँ पर 10 है, 10 को काटते हैं 2 5 10, 2 से कट गया 12, फिर 2 से काटते हैं 6, 2 से काटते हैं यहाँ पर
पांच, तो आपके पास कितना बच गया, 5 5 25, 25 एन इंटू एन प्लस 1 इज इक्वल टू कितना भाई, 5 5 5 0, डिवाइड में कितना भाई 6 है, ठीक है, ये आपके पास यहां पर बचा हो भाई अभी भी, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, देखो यहां पर भाई अब क्या बचेगा अपने पास, 25 by 6 से उठ जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो एन को एन से करते हैं भाई यहां पर कितना आ जाएगा, अभी रुको एक मिनट दो मिनट इसको सोल्व कर लेते हैं, पहले कटने का तो नहीं है यहाँ पे, डायरेक्टिव साइड भेजना पड़ेगा, तो हो जाएगा भाई आपके पास एन इंटू एन प्लस 1 इज इक्वल टू 5 5 5 0 मल्टीप्लाई में 6, तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 25 डिवाइड में आ जाएगा भाई, ठीक है, 5 पे काट लो, 5 5 25, 5 से काटोगे 5 5 5 5 5 5 0, ठीक है भाई, उसके बाद फिर 5 पे काट दो इसको, 5 पे काटेंगे 5 2 10 बच गया 1, 5 2 10 बच गया 1, 5 2 10 ये आ गया भाई आपका, ठीक है। एन को एन से करते हैं एन स्क्वायर प्लस में एन को एन से करेंगे एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 2 12 का 2 कस लग गया, 1 भाई 6 2 12 1 13 1 2 12 1 13, 1 3 3 2, इस साइड प्लस का इस साइड आगे माइनस का, तो आपके पास एन स्क्वायर प्लस में एन माइनस में 1 3 3 2 इज इक्वल टू 0। चलो भाई ये बन गया आपके पास, अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे इसको, पहले 1 3 3 2 के फैक्टर बना लेते हैं यहाँ पे, 1 3 3 2 के 2 6 12 बच गए 1, 2 6 12 बच गए 1, 2 6 12, फिर 2 पे करते हैं 3 3 3, फिर 2 पे करते हैं भाई 2 पे तो नहीं जाएगा सॉरी 3 पे जाएगा, 3 एकम 3 एकम 3 एकम 3, ठीक है भाई, फिर 3 पे करते हैं भाई 3 3 9, फिर कितना हो जाएगा भाई बच गए अपने पास कितने यहाँ पर 2 बच जाएंगे 3 7 21, तो 37 बना एक तो, और एक 3 3 9 9 2 18 18 2 36, एक 36 बना, देखो 36 और 37 बन गया ना फैक्टर, 37 में से 36 माइनस करोगे 1 1 बच रहा है ना, देखो यहाँ पे 1n बच रहा है, 1 लिखो या ना लिखो इसके सामने फर्क नहीं पड़ता, तो ये 1n है, ठीक है, ध्यान रख लेना आपने इस चीज का, तो आपके फैक्टर बन गए भाई यहाँ पे, सोल्व करते हैं इसको, देखो एन स्क्वायर प्लस में 37n माइनस में 36n माइनस में 1 3 3 2 इज इक्वल टू 0। चलो भी दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, n आ रहा, तो अंदर बचेगा n प्लस 37, दोनों में से 36 कॉमन आ रहा है, तो n प्लस 37 इज इक्वल टू 0, तो n प्लस 37 और एक बनेगा n माइनस 36 इज इक्वल टू 0, फिर भाई आपको दोनों को इकट्ठा इक्वल लेना भाई, किसके 0 के, एक फैक्टर ये बनेगा 1n माइनस 36 इज इक्वल टू 0, एक ये केस बनेगा, 37 उस साइड जाके माइनस का और 36 उस साइड जाके प्लस का, अब आपको पता है कौन सा केस लेते हैं हम, माइनस वाला कभी नहीं लेते क्योंकि माइनस में मंथ नहीं जाते हैं, प्लस वाला लेते हैं, तो ये आंसर आ जाए आपका 36 मंथ, अगर इसको साल में कन्वर्ट करना है, इयर्स में कन्वर्ट करना है, तो 36 को 12 से डिवाइड कर लो भाई, 12 36 तीन साल, 3 ईयर आंसर आ जाएगा भाई आपका यहाँ पे, या फिर 36 मंथ भी लिख सकते हो, दोनों सही है, ठीक है भाई, तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है ये वाला। नेक्स्ट करते हैं, देखो रेखा ने ओपन किया भाई यहाँ पे रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसमें टाइम लिया उसने 20 मंथ का, तो टाइम आपके पास भाई कितना 20 मंथ, यानी कि एन की वैल्यू है, एन ही लिख दो यहाँ पे, टाइम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एन की वैल्यू पुट करते हैं, एन है भाई आपका ये। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना भी आपका आर है 9%, उसके बाद रेखा ने रिसीव किया 441 एज इंटरेस्ट, आई की वैल्यू कितनी है भाई आपके पास 441, उसके बाद इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी फाइंड पी, पी निकालना भाई, तो आपको पता है पी की वैल्यू निकालने के लिए आपको इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू में टाइम, टाइम कितना भाई 20 इंटू में 20 प्लस 1 और उसके साथ आ जाएगा भाई रेट, रेट कितना भाई 9 बाय में कितना 24 गुना में 100 इज इक्वल टू कितनी वैल्यू अभी इंटरेस्ट की आपके पास 441। चलो भाई ये सोल्व करना था आपको, यहाँ पर वैल्यू सोल्व करते हैं, देखो कितना बचेगा आपके पास यहाँ पे भाई प्रिंसिपल निकालने के लिए, सबसे पहले काट के देखते हैं इसको किस पे कटेगा आपका, 0 से 0 कट गया भाई आपका, ठीक है, उसके बाद फिर काटेगा इसको हम किस पे भाई 2 पे काट देंगे, 2 पे कटेगा 12, ठीक है, 3 चौके 12, 3 3 9, ठीक है भाई, तो आपके पास क्या क्या बची है वैल्यू वो देख लेते हैं, आपके पास बचा पी इंटू में 21 3 63, बाय में कितना भाई 4 टाइम्स 40 इज इक्वल टू किसके भाई 441 के, उस साइड जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 441 मल्टीप्लाई में 40 बाय में कितना भाई 63। अच्छा 21 का टेबल, 21 3 63, 21 पे काटेंगे तो 21 ही आएगा, 3 7 21, 7 4 28 और पीछे है 0, तो 280 रुपीज, यानी कि प्रिंसिपल है जो आपका रुपीज 280 आ गया आपका फाइनल आंसर, ये था आपका इसका फाइनल आंसर, आ गया भाई समझ, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, सारे वैल्यू मैंने आपको स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन कराया था तो एक बात बताई थी, यही फॉर्मूले चलेंगे, इन्हीं को आगे पीछे करना है स्टेटमेंट के हिसाब से सारे के सारे चैप्टर में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बचा भाई वो भी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं भाई, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी, चैप्टर नंबर 2 हमारा फिर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है भाई, वन शॉट वीडियो इसकी,
तो देखो मिस्टर सोनू हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, उसके पास एक अकाउंट है जिसमें डिपॉजिट कर रहा है 750, यानी कि प्रिंसिपल आपको हो गया भाई 750, ठीक है भाई, जिसमें टाइम लिया उसने 2 साल का, 2 को मल्टीप्लाई करो 12 से तो 24 मंथ हो गया भाई, कितने हो गए 2 साल थे और उसको 24 मंथ में कन्वर्ट कर दिया मैंने मंथ में लेने के लिए, ठीक है भाई। उसके बाद उसके पास एमवी यानी कि मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है भाई 19125। निकालना क्या भाई यहां पर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए आई को हम इज इक्वल टू रखते थे किसके भाई, हमारा होता था ये एमवी माइनस में पी इंटू में एन, ठीक है भाई। इंटरेस्ट आई की वैल्यू पुट करो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना भाई 750 मल्टीप्लाई में एन, एन कितना भाई 24 इंटू में 24 प्लस एक 25 मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है, डिवाइड में कितना भाई अपने पास यहां पर डिवाइड में आ जाएगा आपका 100, कितना भाई 100 और 24 सॉरी 100 आना 1000 कर दिया मैंने 100, ठीक है भाई। इजिकल टू एम वी कितनी है मेच्योरिटी वैल्यू 19125 माइनस में पी प्रिंसिपल कितना 750 मल्टीप्लाई में एन कितना भाई अपने पास 24 है, तो वो लिख दो। चलो भाई सोल्व करते हैं, देखो इसे पहले कट जाएगा 24 से 24 भाई, 10 से 10 कट गया, ठीक है भाई। आपके पास कितना बचा, काट देते हैं 5 5 25 5 2 10 2 बच गया नीचे। अब टोटल वैल्यू लिखते हैं कितनी बचे आपके पास, ऊपर बचा भाई आपके पास क्या वैल्यू 75 × 7 डिवाइड में कितना भाई 2 और इंटू में ऊपर आर भी है इज इक्वल टू, यहाँ पे सोल्व करो 19125 में से माइनस करना आपने, इसको सोल्व कर लेते हैं भाई मल्टीप्लाई करके, 75 को मल्टीप्लाई कर लो 24 से, 4 5 20 की चलिए 2 4 28 2 30 की 0 75 आ जाएगा 150 डायरेक्ट ही लिख देते हैं यार, ठीक है। उसके बाद 0 0 5 3 8 1 1800 आया भाई, कितना आए 1800 और पीछे एक जीरो भी 18000 हो गया, टोटल कितना हो गया भाई 18000, माइनस करोगे तो 1125 बचेगा। इक्वल में करते हैं उस साइड, यहाँ पर इसको देखो खाली जंग पड़ी है, तो 75 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में आर बाय में 2 इज इक्वल टू बचेगा भाई कितना अपने पास यहाँ पर 1125, ठीक है भाई ये बच गया। अब इस चीज को साइड रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा भाई आपका 1125 मल्टीप्लाई में 2, 2 डिवाइड में तो ऊपर मल्टीप्लाई में और दोनों मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में, ठीक है ना भाई। काट देते हैं देखो अब यहाँ पर 5 से काटता हूँ, पहले 5 2 10 बच गया 1, 5 2 10 बच गया 2, 5 5 25 फिर 5 पे काटता हूँ भाई 25 3 75 25 के टेबल पे काट रहा हूँ, 25 3 75 और 25 9 जो होता है ये 3 3 9 3 2 6 तो रेट आ गया भाई अपना 3 × 2 में 2 बचा ऊपर तो 3 2 6% तो रेट आ गया आपका 6% जो आपका फाइनल आंसर होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का। आपकी पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज थी या चैप्टर बोल रहे की एक्सरसाइज थी इसमें कंप्लीट हो चुकी है, आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे समझ आए हैं। फिर भी आपको किसी भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ लेना, जितना जल्दी होगा रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। बाकी अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी वीडियो शेयर कर देना भाई ये वाली, ताकि उनकी हेल्प हो सके, साथ साथ चैनल सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।